अस्सलाम वालेकुम। आज जो है बारह रबी अव्वल है, उस सबको मेरा बहुत मुबारक हो। अभी हम आए रेस्टोरेंट के अंदर, अपना मूड हो रहा था चाय पराठा खाने को। दोस्त बोले थे यार आज हम खाएंगे चाय पराठा, क्योंकि यहाँ का पराठा बड़ा ज़बरदस्त होता है, बिल्कुल खस्ता पराठा होता है, अच्छा सा बना होता है। फिर साहब आप क्या खाना पसंद करेगा? दानिश भाई हम लेकर आए, कोई मशहूर स्टेशन क्या पे होटल है सर, मुझे नाम नहीं पता, वो बाद में आपको डेट करा देंगे। सुना यहाँ का चाय पराठा बड़ा ज़बरदस्त किस्म होता है, और दानिश भाई की तरफ से आज हमें चाय पराठे की दावत है। आए चाय पराठा आता है, खा के फिर आपको बताते कैसा था। चाय पराठे दाल क्या खाओगे आप? भाई हम खाना पसंद करेंगे चाय पराठा। चलो दोस्त बोले चाय पराठा खाने, तो आज हम चाय पराठा खाते हैं, आते हैं देखते हैं कैसा। क्योंकि मैं तो खाती खा चुका दो तीन दफ़ा, भाई आए आज तो पराठे या मुंडा, तो अभी जो मुंड रहा है चाय पराठा है मुंड रहा है। आप जल्दी से चाय पराठा मंगा लो, फिर खाते चाय पराठा। एक अंडे ही मांगा यार, क्योंकि इसका अंडा बड़ा जिसका खाया था, अंडा बड़ा जबरदस्त अंडा था। अच्छा इसको थोड़ी मिर्ची हो ना, अंडे की मिर्ची हो रही है चटपट है, अपना ही मज़ा होता है मिर्ची उसके अंदर, और जबरदस्त। अच्छा अंडा बोला आमलेट, जो आमलेट बड़ा मज़ा है, हाफ फ्राई वाला मज़ा नहीं, जो आमलेट का मज़ा है अंडे खाने का वो बड़ा जबरदस्त है। मैंने अभी जो चाट लगी हुई अंडे की, तो उसमें लिखा हुआ पिशावरी अंडा, पिशावरी अंडा मंगाते कैसा है? जो आज हम पिशावरी अंडे मंगाते हैं, आज पिशावरी अंडा खाते हैं हम, ठीक है। यहाँ के पराठे माशाल्लाह, पराठे बड़े शक्ल से बहुत प्यारा लग रहे हैं, इंशाल्लाह खाने बड़े जबरदस्त होगा। अभी गरम गरम देखते हैं, अंडा आ गया है चाय से मालूम, चाय के बगैर मज़ा नहीं है। थोड़ी चाय पे बगैर जो अंडा खाने का मज़ा नहीं है, चाय पराठा तो आ गया, चाय के बगैर जो मज़ा नहीं है पराठे खाने का। लच्छेदार लच्छेदार पराठा है, चाय भी आ गई, अंडे भी आ गए। चलो खा के देखते हैं कैसे पराठे। हमारा रात का नाश्ता आ गया, अंडा पराठा चाय, चाय के साथ भी बड़ा टेस्टी लगेगा। चलो फिर साहब शाबाश, खाएं फिर इंशाल्लाह। ओके आप लोग को।